हेलो स्टूडेंट, सो इन दिस लेक्चर वी वर डिस्कस अबाउट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स। ओके, सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स आपका पॉलीमर का एक कॉन्सेप्ट है। पॉलीमर केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आता है। ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हो? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स। सो ये कैसी टेक्निक है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है करेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स के लिए। बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्फर्मेशन। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज इन पॉलीमर करेक्टराइजेशन, जो कि आपके AUC एंड PVC होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आपका जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है किसने डेवलप किया था। सो स्वीडिश के एक बायोकेमिस्ट थे, थियोडर स्वेडबर्ग नाम के, उनका नाम था थियोडर स्वेडबर्ग, जिन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेस का मेथड 1923 में डिस्कवर किया था, और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1926 में। ठीक है, उन्होंने रिसर्च की थी किसके ऊपर? कोलाइड्स एंड प्रोटीन यूजिंग द सेंट्रीफ्यूज, राइट। तो सेंट्रीफ्यूज, आप बोलोगे कि सेंट्रीफ्यूज क्या है, आप सेंट्रीफ्यूज से क्या समझते हो? सो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ की जाती है फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। सो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के? जैसे रेड सेल सेपरेट हो रहे हमारे प्लाज्मा और ब्लड से, न्यूक्लियाई हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया से सेपरेट हो रही है, ठीक है, और वन प्रोटीन फ्रॉम अनदर इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, एंड ऑल्सो आइसोलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज DNA, RNA, लिपिड्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये है आपके पास सेंट्रीफ्यूज का सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर हम इसके टाइप की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे AUC। AUC स्टैंड फॉर एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। सो AUC मतलब कि एनालिटिकल डिटर्मिनेशन करनी है हमने, ताकि एनालिटिकल में आपको क्या पता चलता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या साइज और शेप कैसा है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसमें। इट इन्वॉल्व स्पिनिंग अ सैंपल ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। तो AUC क्या इन्वॉल्व करता है? ये स्पिनिंग करता है, स्पिनिंग ऑफ सैंपल, कौन सा सैंपल? जो आपने पॉलीमर का सॉल्यूशन लिया है, एट हाई स्पीड। स्पीड कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, इन सेंट्रीफ्यूज, एंड मेजरिंग द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द पार्टिकल्स। और उसके बाद क्या करना है कि मेजर करना है आपके पास जो सेडिमेंटेशन रेट बन रहा है पार्टिकल्स का, ठीक है, एज दे सेपरेट बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कन्फॉर्मेशन एंड एग्रीगेशन स्टेट ऑफ पॉलीमर्स। सो AUC आपके पास क्या प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन? जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर वेट क्या है सिंपल का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, कन्फर्मेशन एंड एग्रीगेशन स्टेट क्या है पॉलीमर के, ठीक है। तो आपके पास दो काइंड के एक्सपेरिमेंट है जो कॉमनली प्रेफर्ड किए जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट या इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए। सबसे पहले आता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, एंड सेकंड है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद सेकंड जो आपके पास टाइप है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का वो है PUC। PUC स्टैंड फॉर प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड प्योरीफाई पॉलीमर्स, सेपरेट करने के लिए एंड प्योरीफाई करने के लिए पॉलीमर्स को बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट अगेन, ठीक है, किसके बेस्ड करना है? मॉलिक्यूलर वेट एंड डेंसिटी के बेसिस के ऊपर आपने सेपरेट एंड प्योरीफाई करना है पॉलीमर्स को। वो क्या हो गया? प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व स्पिनिंग अ सैंपल ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज, सेम एज AUC। इसमें भी क्या होता है कि हमने स्पिनिंग करनी है सैंपल की, ठीक है, एट हाई स्पीड रखनी है उसमें भी, और सेम एज PUC।
ठीक है, एंड कलेक्टिंग द फ्रैक्शंस ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है, इसमें था कि आपने कलेक्ट करना है फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल, और AUC में क्या डिफरेंस है, इन्होंने मेजर करना है सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स और वो कैसे सेपरेट हो रहे हैं। दैट सेपरेट आउट बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट, इट कैन बी यूज टू आइसोलेट एंड प्यूरीफाई स्पेसिफिक फ्रैक्शंस ऑफ पॉलीमर्स फॉर फर्दर एनालिसिस। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपके पास जो PUC है वो टू टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले तो आता है डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जो आपके बेस्ड होता है, इट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स। एंड सेकेंड है डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो बेस्ड ऑन है किसके, डेंसिटी डिफरेंसेस क्या है आपके पॉलीमर के सॉल्यूशन में उसके ऊपर। ओके, सो ये था आपका कंसेप्ट फॉर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज्ड इन पॉलीमर केमिस्ट्री। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।